गुड मॉर्निंग प्रेप क्लास, आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये आपकी हिंदी बुक है और आप आज पढ़ने जा रहे हैं आ की मात्रा। आपकी चैप्टर है 5। ऑलरेडी यू हैव टू लर्न बिना मात्रा के सारे शब्द पढ़ चुके हो, जैसे 2 अक्षर की 3 अक्षर की 4 अक्षर के सब बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ चुके हो। ये 2 अक्षर वाली है, उसके बाद 3 अक्षर वाली है, उसके बाद हमने यहाँ पे 4 अक्षर वाली शब्द पढ़े थे, वो भी बिना मात्रा की। आज हम जो पढ़ेंगे ना मात्रा, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले आ की मात्रा। आ जो स्वर होता है ना, आ आ आ जो जो हमने जितना भी स्वर है वो सारे मात्रा के हिसाब से हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है आ की मात्रा, ठीक है। आ की मात्रा मतलब देखो, ये जो है मात्रा, इसी को स्वर के साथ लगाना है या व्यंजन के साथ लगाना। स्वर के साथ नहीं लगाना, व्यंजन के साथ लगाना है। स्वर जितना भी हमने अ आ ई ई ये सारे मात्रा हो जाते हैं, और ये सारे मात्राएं तो कहाँ पे ज्वाइन होता है, व्यंजन के साथ। देखो ये है ह, ये हो जाता है व्यंजन, तो उसके साथ ये आ की मात्रा जोड़ा, फिर उसके साथ एक व्यंजन लिखा, तो ह आ की मात्रा थ, तो क्या हो गया हथ। ये क्या है देखो, छ एक व्यंजन है, फिर आ की मात्रा ये स्वर है, फिर त आ की मात्रा, तो क्या लिखा, छ के साथ आ की मात्रा छा, फिर त के साथ आ की मात्रा ता, छाता, ठीक है। उसके बाद देखो ग, उसके साथ ग आ की मात्रा जोड़ा, तो ग के साथ आ की मात्रा जोड़ के हो गया ग, फिर ज र गाजर। फिर ये देखो अ प्लस न प्लस आ की मात्रा प्लस र, तो क्या बना अनर। उसके बाद देखो ये पिक्चर क्या है, त प्लस ल प्लस व प्लस आ की मात्रा प्लस र, तो जिसके साथ आ की मात्रा जोड़ रहे हो, जिस व्यंजन के साथ ये मात्रा जोड़ रहे हो, उसी व्यंजन को मात्रा लगा के आपको बोलना है। जैसे तल व के साथ आ की मात्रा वा, फिर र तलवर, हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्या है, ये क्या अ ख ब आ की मात्रा र, तो आ की मात्रा किसके साथ है, ब के पीछे, तो ब के साथ आ की मात्रा जोड़ोगे क्या होगा, बा, तो आप क्या बोलोगे, अख बार अकबर, हो गया। तो ये पिक्चर के साथ नीचे नीचे आ की मात्रा जोड़ के कुछ शब्द दिया गया है, आप इसको लर्न करोगे, ओके। उसके बाद देखो आ की मात्रा वाले कुछ शब्द है, यहाँ पे 2 अक्षर वाली 3 अक्षर वाली 4 अक्षर वाली सब आ के मात्रा के साथ लगा के लिखा है। जैसे न आ की मात्रा क नाक, क आ की मात्रा न कान, ह आ की मात्रा थ हाथ। देखो जिसके साथ ये मात्रा लग रहा है उसी के साथ ये जोड़ के बोल रहा है। क के साथ आ की मात्रा जोड़ा तो का हो गया, फिर र को जो जो लिखा है उसको बोलना है। कार गाय चाय चार लाल, ये सब आ की मात्रा जोड़ के ये शब्द बना है। जैसे गाजर चावल बादम बाजर कागज बादल, ये सारे ये आ की मात्रा वाले सब, ये आप अपना घर पे अच्छा से रीड आउट और लर्न भी करोगे। देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया है सारे के सारे आ की मात्रा वाले, राजा ये सब आ की मात्रा, देखो यहाँ पे भी आ की मात्रा, यहाँ पे भी आ की मात्रा, तो राजा आ, फिर क्या है बाजा बजा, मामा आया, गाना गा, काला छाता ला, राजा आम खा कर पाठशाला जा। सबके साथ देखो आ की मात्रा लगा हुआ है, बाजर जाकर टमाटर व गाजर ला, तो ये सब जो सेंटेंस है ये आ की मात्रा वाला सेंटेंस है, ये आ की मात्रा वाला शब्द है। नेक्स्ट पेज में देखो, ये आप घर पे अच्छा से आप रीड आउट करोगे और लर्न भी करोगे, ये आप जोर जोर से रीड आउट करना है और लर्न भी करना है। पीछे जो एक्सरसाइज है आपको मैं दिखा रही हूँ, कुछ चित्र हैं और चित्र के नीचे नीचे आपको मात्रा लगाकर लिखना है। ये किसकी चित्र है, कार की चित्र है, तो इसका क्या है देखो क्या लिखा है, सिर्फ क लिखा है या र लिखा है, तो कार, तो क के साथ आ की मात्रा लगाना है, तो यहाँ पर आप मैंने आ की मात्रा लगा दिया। ये देखो बाजा मतलब ब के साथ आ की मात्रा और जा के साथ आ की मात्रा, तो बन जाएगा बाजा, ओके। तो ये क्या है ताला, तो ये क्या है त के साथ आ की मात्रा फिर ल के साथ आ की मात्रा, तो क्या हुआ ताला,
समझ में आ गया। अब ये क्या है, गमला, तो ग म ल आ गमला, लॉ के साथ आ की मात्रा जोड़ के बोल रहे हो तो लॉ के पीछे आ की मात्रा लगेगा, तो गमला। तो क्या हुआ, ये कार बाजा ताला गमला, ये और ये आप खुद होमवर्क करोगे। ओके तो ये देखो क्या है, किसकी पिक्चर है, टमाटर, टमा, मा के साथ आप आ की मात्रा लगा रहे हो तो मा के पीछे यहाँ पे आ की मात्रा जोड़ेंगे, फिर टमाटर लिखना है। ये क्या है, अखबार, बॉ के साथ आ की मात्रा जोड़ना है तो बॉ के पीछे आप आ की मात्रा लगा के इसको लिखना है। ओके नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, पढ़ो समझो और लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है, उसको आ की मात्रा जोड़ के कैसे लिखना है आप आपको दिखाया है। यह क्या है, शब्द क्या है, कागज, तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या है यार, ये क है तो इन्होंने क लिखा, उसके बाद क्या है, आ की मात्रा है तो इन्होंने जोड़ के आ की मात्रा लिखा, फिर क्या है, ग है, फिर ग लिखा, फिर ज है तो उन्होंने ज लिखा। सेम प्रोसेस में आप भी यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, क है तो इन्होंने क लिखा, फिर आ की मात्रा लिखा है तो यहाँ पे आ की मात्रा डाला, फिर र है तो र लिखा है, फिर र के पीछे आ की मात्रा तो फिर आ की मात्रा यहाँ लिखा, फिर क्या है, ग है तो ग लिखा, फिर आ की मात्रा, फिर आ की मात्रा, फिर र, तो क्या हुआ, कारागार, कारागार। समझ में आ गया। देखो मैम ने क्या किया, अनरदाना कैसे लिखे, पहले अ लिखा, फिर न लिखा, फिर आ की मात्रा डाला, फिर र लिखा, फिर द आ की मात्रा डाला, द लिखा, फिर आ की मात्रा, जैसे है इसको सारे अलग अलग लिखना है, न फिर आ की मात्रा। समझ में आ गया, तो क्या हो गया, अनरदाना हो गया, अनरदाना। फिर देखो क्या है, ई, पहले लिखा ई, फिर ल लिखा, फिर आ की मात्रा ल हो गया, फिर ह, फिर आ की मात्रा डाला तो हा हो गया, फिर ब लिखा, फिर आ की मात्रा डाला तो बा हो गया, फिर ये जो द है द लिख दिया, तो क्या हुआ, इलाहाबाद हो गया। अभी यहाँ पे एक मैम आपको फिर से करके दे रहा है, ये क्या है, पाठशाला है, तो कैसे लिखना है, पहले प लिखोगे हो गया, फिर क्या है, आ की मात्रा, तो जोड़ का साइन देके आ की मात्रा लिखोगे, फिर क्या है, ठ, फिर जोड़ के लिखोगे, फिर ठ, फिर क्या है, श, फिर जोड़ के आप लिखोगे श, फिर श के साथ आ की मात्रा है, फिर जोड़ का साइन दो, आ की मात्रा लिख दिया, फिर क्या है, ल, तो ल लिखा, फिर ल के साथ पीछे क्या है, आ की मात्रा है, तो ये ऐसा आपको लिखना है, पाठ, पाठ शाला, तो पाठशाला, तो ये और ये आपका ये होमवर्क रहेगा। ओके तो आपका ये दो खानदान और कलाकार ये आपका घर पे खुद करोगे। ओके नाउ नेक्स्ट, आ की मात्रा वाले 10 शब्द लिखो। आ के मात्रा वाले, देखो मैम ने 5 शब्द लिख दिया है, आपको खुद यहाँ पे और 5 लिखना है। क्या क्या लिखा, बा दाम, देखो बा के साथ आ की मात्रा, द के साथ आ की मात्रा तो हो गया बादाम, फिर क्या है, बाजार, मकान, पाठशाला, समाचार, तो ये सारे आ की मात्रा वाला 5 शब्द मैम ने लिख दिया, नीचे और 5 शब्द आपको लिखना है। ओके तो इसी आज हमने क्या पढ़ा, आ की मात्रा वाले कुछ शब्द पढ़ा और उसका आज एक्सरसाइज किया, जो इसी बुक के अंदर आप करोगे और राइटिंग अच्छा अच्छा होना चाहिए। ओके और आपकी नोटबुक, अभी नोटबुक में मैम ने कुछ दिया है, देखो मैम ने कैसे, ये है अ स्वर है, उसके साथ आ की मात्रा जोड़ा तो आ बन गया, हो गया। अभी क्या है, र व्यंजन है, उसके साथ आ की मात्रा जोड़ा तो रा, ज आ की मात्रा जोड़ा तो जा। अभी एक साथ कैसे, र आ की मात्रा, ज आ की मात्रा, तो र के साथ आ की मात्रा लगा के रा, फिर ज के साथ आ की मात्रा लगा के ज, राजा, फिर ब के साथ आ की मात्रा प्लस ज के साथ आ की मात्रा तो क्या हुआ, बाजा। ये क्या है, ग जर गाजर, म का न मकन, फिर प शाला तो पाठशाला, सरकार तो हो गया आपका सरकार, खानदान
तो सब में आ की मात्रा लगा के मैम ने यहाँ पे लिखा। आपको क्या करना है, आपका क्या होमवर्क है, आ की मात्रा वाले कुछ शब्द आप खुद लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपका इसी नोटबुक के अंदर सबसे पहले आप मैम ने कैसे लिखा इसको रीड आउट करोगे और लर्न करोगे, उसके बाद इसी नोटबुक के अंदर आ की मात्रा वाले कुछ शब्द ये खाली स्थान में लिखना है, ये आपकी नोटबुक की होमवर्क है। और फिर इसी बुक के अंदर जो जो मैम ने आज पढ़ाया है जो बुक के अंदर फिलअप्स करना है इसी बुक के अंदर, ओके। और आपको ये चैप्टर अच्छा से रीड आउट करना है और लर्न भी करना है, ओके। थैंक यू।